नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। नर्सिंग कॉलेज घोटाले के विरोध में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने छेड़ा सत्याग्रह, जीतू पटवारी भी हुए शामिल। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले के विरोध में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर 24 घंटे का सत्याग्रह शुरू कर दिया। सत्याग्रह स्थल पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी पहुंच गए। यहां पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेन्द्र दर्शन सिंह की अगुवाई में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्याग्रह कर रहे हैं। राहुल गांधी के हिंदुओं को हिंसक बताने पर भड़के सीएम मोहन यादव, बोले नाक रगड़ कर माफी मांगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा हिंदुओं को हिंसक बताने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह बयान राहुल गांधी की कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी है, उसके अंदर कांग्रेस के नेता अगर हिंदुओं को इस तरह से लज्जित करेंगे तो देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इस बात को लेकर पूरे देश में उबाल है। राहुल गांधी को नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर विधानसभा में हंगामा। प्रदेश में हुए नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर विधानसभा में चर्चा हुई। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार की सहमति से उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, जयवर्धन सिंह समेत कांग्रेस के अन्य विधायकों की ध्यानाकर्षण सूचना को स्वीकार किया है। दिग्गी के भाई को मिला बीजेपी में वापसी का न्योता। अक्सर अपने बयानों और ट्वीट से कांग्रेस को मुसीबत में डालने वाले दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह को बीजेपी में आने का न्योता मिला है। सिरोन से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि लक्ष्मण सिंह कांग्रेस में रहकर क्यों ज्यादती सहन कर रहे हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि आप भाजपा में आइए। आज भी जमकर बरसेंगे बद्रा, दो दर्जन से ज्यादा जिलों में भारी बारिश। मध्य प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, जिसके चलते प्रदेश भर में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी है। बुधवार को एक और नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते आगामी 5 दिनों में उज्जैन संभाग, सागर संभाग, जबलपुर संभाग, चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग में भारी वर्षा होने की उम्मीद है। एमपी में नौकरियां दी 2.32 लाख, बेरोजगार 9.90 लाख घटी। सरकार का दावा है कि 2023 के मुकाबले मई 2024 तक 9,90,935 बेरोजगार घटे हैं, जबकि 3 साल में 2.32 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी गईं। विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्य कौशल विकास राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने ये जानकारी सदन को दी। हेरिटेज ट्रेन तक पहुंचना होगा आसान। महू पातालपानी के बीच ब्रॉडगेज लाइन पर हुआ स्पीड ट्रायल। महू तहसील में पातालपानी से प्राकृतिक सौंदर्य की यात्रा कराने वाली हेरिटेज ट्रेन शुरू होने वाली है, लेकिन पातालपानी जाने के लिए कोई साधन नहीं। इसके लिए महू से पातालपानी तक मीटर गेज लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने का कार्य किया जा रहा है। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर आज प्रदर्शन। प्रदेश भर में बीजेपी वीएचपी जलाएंगी पुतला। सोमवार को संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा हिंदुओं पर दिए गए बयान का बीजेपी वीएचपी सहित कई हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठन अलग पुतला दहन कर प्रदर्शन करेंगे। भोशाला सर्वे, मुस्लिम पक्ष एससी में लगा सकता है अवमानना अर्जी। भोशाला मामले में एएसआई का सर्वे पूरा हो गया। 2 जुलाई को एएसआई इंदौर हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 4 जुलाई को मामले में सुनवाई होगी। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका लगाने की तैयारी कर ली है। रेलवे ने 14 समर स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के यात्रियों को मिलेगी सुविधा। ट्रेन में यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को सुविधा देने के उद्देश्य से रेल मंडल के विभिन्न स्टेशन पर ठहराव के साथ गुजरने वाली 14 ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन के फेरे पुनः विस्तारित किए गए। स्पेशल ट्रेन के मार्ग, आगमन, प्रस्थान समय, दिन, कोच कम्पोजिशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।